नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज तो संकेत भी गुड गुड नजर आ रहे हैं, काफी ग्रीनरी आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। इनफैक्ट आप देखिए, तमाम जो मार्केट्स हैं वो आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। चाहे आप कल के यूएस के मार्केट्स की क्लोजिंग देख लीजिए, चाहे आज एशियन मार्केट की शुरुआत देख लें, एसजेक निफ्टी को देख लीजिए, डाउ फ्यूचर्स को देख लीजिए, सब यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आज मूड माहौल बेहतर है ग्लोबल मार्केट की। जहां तक बात है कल, अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स आपको स्क्रीन के ऊपर 157-158 अंक की बढ़त के साथ नजर आएगा। लेकिन दिन के नेचलो सोरों से शानदार रिकवरी कल यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। करीब करीब 900 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ कल डाउ जोन्स बंद हुआ और आज फिर से आप देखिए 200 अंकों से ज्यादा का उछाल आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगा। और ये दरअसल इसलिए फेड की वजह से, जो फेड की कमेंट्री आई कि अब वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीदेगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीदे जाएंगे फेड की ओर से। उसका इंपैक्ट कल यूएस के मार्केट्स में देखिए जबरदस्त रिकवरी के तौर पर देखने को मिला। और आज एशियन मार्केट्स आप देखिए, निकेई का बाजार 3%, कॉस्पी 4% और 2-2% से ज्यादा की तेजी हैंगसेंग ताइवान में स्टेट टाइम्स में देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का एक्शन एशियन मार्केट्स में आज देखने को मिला है। एक बड़ी राहत है, एक रिलीफ रैली आप देखिए आज एशियन मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिली कल, जिस तरह से यूएस के मार्केट ने लो लेवल से रीबाउंड किया है। कुशल, गुड मॉर्निंग, आप कैसे संकेतों को रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो आपने काफ़ी अच्छे से समराइज किया है ओवरऑल जो भी ग्लोबल अपडेट्स हैं। और यहाँ पर एक दो और एडिशनल पॉइंट्स है जो मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड वो वापस से अब $40 के आसपास आता हुआ नजर आया है। और साथ ही अगर आप ओवरऑल एसजीएक्स निफ्टी को भी देखें तो 180 अंकों का उछाल यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब मॉर्निंग में हमने 630 को भी ये लेवल्स देखे थे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो अभी कहीं ना कहीं होल्ड होती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि कल के दिन में अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो करीब 0.7% की गिरावट हमें कल के सत्र में इनमें देखने को मिली थी, यानी 0.3-0.6% की फॉल। तो यूएस में जिस हिसाब की तेजी बनी थी कॉर्पोरेट बॉन्ड बैंक के अनाउंसमेंट के बाद, वो आज यूरोप फैक्टर इन करता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो भारतीय बाजारों पर भी फर्दर पड़ता हुआ नजर आए। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि मूड माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड पर आज ट्रेड हो सकता है। बहरहाल कल के सत्र में जो परफॉर्मर्स रहे थे, कल जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे, हमारा जो डायरेक्शन था वो एक्चुअली करेक्ट था। और उस वजह से अगर आप देखें तो 10 में से 9 स्टॉक्स मेरे कल परफॉर्म करते हुए नजर आए। और यहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने आपको बैंकों में बिकवाली करने की राय दी थी, खासकर अगर आप देखें तो बंधन बैंक और आरबीएल बैंक, यहाँ पर 6-6% की तेजी बनी हुई थी। पर कल का जो फॉल हमें देखने को मिला उस लिहाज से यहाँ पर दोनों में टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। साथ ही बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स के जो खराब नंबर्स आए थे उसके बाद बजाज ऑटो में भी आपको गिरावट देखने को मिली। आयशर मोटर्स भी मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी, पर वहां पर पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया था। साथ ही जुबिलेंट फूडवर्क पीवीआर, जिस हिसाब से कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की बात चल रही थी, वहां पर भी हमें बिकवाली नजर आई। और साथ ही अगर आप देखें तो ONGC और जिस हिसाब से कच्चे तेल में हमें फॉल देखने को मिला तो वहां पर भी आपको गिरावट रही। और इसके अलावा मैंने 3 खरीदारी के आपको स्टॉक्स दिए थे जो परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें अपोलो टायर्स, डाबर और टाटा पावर, ये 3 स्टॉक शामिल थे। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ परफॉर्मेंस है? कल की जहाँ तक बात है कुशल, तो मैंने आपको 6 स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे और 4 स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे। चारों स्टॉक्स के टारगेट हिट हुए हैं जहाँ तक खरीदारी की बात है, और 5 स्टॉक बिकवाली के भी, इनके भी टारगेट अचीव होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले पदमजी पेपर और मैंगलोर केमिकल, 2 कैश सेगमेंट के स्टॉक्स थे, नंबर्स के दम पर आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी। 6-6% से ज़्यादा की जो तेज़ी है इन दोनों स्टॉक्स में कल के सेशन में देखने को मिली, इनके टारगेट हिट हुए। 2% फिलिप्स कार्बन भी चढ़ के बंद हुआ, जो टायर्स को लेकर अच्छी खबर आई थी, उसका इम्पैक्ट था, इसने टारगेट हिट किया। 91 का टारगेट था, 93 के हाईस इसने बनाए। इसके अलावा हिंडाल्को, पहले इसने टारगेट अपना हिट किया ₹150.50 का, 152.20 का हाई बनाया, उसके बाद हायर लेवल से स्टॉक फिसलता हुआ दिखा था। और इसके अलावा जो बिकवाली के ट्रेड्स थे उसमें बजाज फाइनेंस 4.5% से ज़्यादा ये स्टॉक लुटका, 7% के आसपास BHEL के फ्यूचर्स लुढ़क गए, नंबर्स बेहद खराब थे। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2.25% से लेके 3.25% तक की कमजोरी कल के सेशन में देखने को मिल रही थी। तो 5 बिकवाली के और 4 खरीदारी के, यानी कि कुल मिला के 9 स्टॉक्स ऐसे थे 10 में से जिनके टारगेट्स कल के सेशन में अचीव होते हुए दिखे, और दोनों तरफा ट्रेड्स आपको बताए गए थे और दोनों ही कारगर साबित होते हुए दिखे। आज की जहाँ तक बात है कुशल, तो
9 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, केवल एक स्टॉक माफ कीजिए 9 स्टॉक्स खरीदारी के हैं और केवल एक स्टॉक है जो कि बिकवाली का है। और पहला नाम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बिकवाली का ही है, उसके बाद सारे ट्रेड्स खरीदारी के बताऊंगा। पहले ये सेल का जो हैंगओवर है खत्म कर देते हैं। टाटा मोटर्स, इसके जो फ्यूचर्स हैं इसमें आज आपको बिकवाली करके चलना है। नंबर से पहले आप देखिए, कल भी स्टॉक का हल्का होकर बंद हुआ था, कल तो बाजार का मूड माहौल भी खराब था, लेकिन जितने नंबर्स खराब एक्सपेक्टेड थे उससे भी कहीं ज़्यादा खराब नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अगर आप देखें कुशल, आपने जो एस्टिमेट किया था 2800 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा आएगा, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि शायद ही कोई एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। मार्जिन जो कि 10% के थे वो 1% के आसपास आ गए और कामकाजी मुनाफा 92% घटा है। आय की भी जहाँ तक बात है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर उसके ऊपर आया, लेकिन फिर भी 28% के आसपास का ड्रॉप है। और इससे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कुशल, जो कमेंट्री आई है वो भी आपने तो सुनी है, ये भी अच्छी नहीं है। खुद मैनेजमेंट ने कहा है कि जो Q1 यानी कि जो क्वार्टर हम जिसमें बैठे हैं ये और भी ज़्यादा वीक होगा, चाहे आप जयलाभ की बात कीजिए चाहे आप टाटा मोटर्स की बात कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट इसी क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से इस बार भी देखें नंबर्स में काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ इम्पेयरमेंट्स इन्होंने किए हैं, कुछ पीवी बिजनेस की बात भी करी है, कुछ सब्सिडरीज को लेकर भी प्रोविजनिंग करी है, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो बेहद निराशाजनक है, जिससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि बहुत जल्द बिजनेसिस में इंप्रूवमेंट आएगा या कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़त आती हुई दिखेगी, ऐसा मैनेजमेंट तो एक्सपेक्ट खुद नहीं करके चल रहा है। तो हायर लेवल्स पे अगर आपको मिले, अगर ये जैसे मूड माहौल बेहतर है, अगर ये ऊपर खुल भी जाता है क्योंकि 2-3 दिन में काफ़ी गिरा है, तो उस लिहाज से हायर लेवल्स पे अगर आप शॉर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए आप देखिए, जो मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट है इस हिसाब से एडजस्ट किए हैं कि आपको गैप अप ओपनिंग या तो फिर हायर लेवल्स मिले तो शॉर्ट करना है। 104 रुपये आपका स्टॉप लॉस है, 98 रुपये का आपको स्टॉप टारगेट लेके चलना है आज के लिए। इसके साथ साथ IT स्टॉक्स ये आज लाइमलाइट में रह सकते हैं। विप्रो खासतौर पर, जिसका ADR कल अगर आप देखें करीब 7.5% के आसपास चढ़ के बंद हुआ है, यहाँ पर जरूर आप खरीदारी करके चले, क्योंकि US को लेकर जो अच्छी खबरें आ रही है उसी का इंपैक्ट आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है। तो ऐसी कंपनी जिनका US में एक्सपोजर है या ग्लोबली जिनका एक्सपोजर है वहां पे आज एक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। 218 रुपये विप्रो का टारगेट है, 211 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। कुशल, आप कितने खरीदारी के ट्रेड्स हैं आज आपके पास? बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में तो सभी आज खरीदारी के ही स्टॉक्स हैं, और जो सेकंड स्टॉक के लिए आपने ट्रिगर बोला और इसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो पहले 7 स्टॉक्स जो हैं उसी ट्रिगर पर मैंने बेस किए हैं, क्योंकि US में जो कॉरपोरेट बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो हो सकता है कि फेड लेकर आए आगे आने वाले समय में, इसका डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट उन कंपनियों पर पड़ेगा जो वहाँ पर बेस्ड हैं या फिर उनका जिनका रेवेन्यू जो है वो US से पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उस लिहाज से आज आप देखिए मेटल काउंटर्स पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छी तेज़ी बना सकते हैं, जिस हिसाब से US मार्केट्स में कल तेज़ी हमें देखने को मिली है। और कल के जो आपका परफॉर्मर था संदीप हिंडाल्को, वो आज मैं अपनी सूची में शामिल कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज दोबारा से तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो हिंडाल्को में आपको खरीदारी के चलनी है 152 रुपए के लक्ष्य के लिए और 142 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक और ग्लोबल कंपनी टाटा स्टील, यहां पर भी अच्छी मजबूती आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। तो 320 का लक्ष्य आप यहां पर भी बनाइए, पर 295 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ध्यान रखिए आपको मेंटेन करना चाहिए। ओके, अगले दो नाम है वो भी IT स्पेस से ही है, इंफोसिस और साथ ही साथ टेक महिंद्रा। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स में कुछ कमजोरी भी बनती हुई दिखी है। एक तो जैसे मैंने कहा एक ग्लोबल ट्रिगर है, जैसे कुशल भी बता रहे हैं US में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने की बातचीत चल रही है, जो फेड ने कल ऐलान किया जिसका इंपैक्ट हमने US के मार्केट्स में देखा। देखिए US की इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा होगा तो IT स्टॉक्स जो कि वहाँ पे एक्सपोजर रखते हैं या ऐसी कंपनी जिनके वहाँ पे कारोबार है, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनके लिए जरूर ये राहत की बात है। और वैसे भी रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, कल भी अगर आप देखें तो कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली थी, कल करीब 18 पैसे के आसपास की कमजोरी थी, 76 के ऊपर फिर से आप देखिए जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। तो उस लिहाज से दो मेन ट्रिगर हैं जिस वजह से इंफोसिस में आज 700 रुपये का लेवल फिर से पार हो सकता है, 680 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें, और टेक महिंद्रा में 560 रुपये ही आपका टारगेट है, 542 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, तो मेरी सूची में अगला काउंटर भी मेटल स्पेस से है और सेल, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। ट्रिगर डेफिनेटली सेम है और हम कोरिलेशन इसका जानते ही हैं कि जब भी US मार्केट्स में तेजी होती है तो मेटल काउंटर्स पर्टिकुलरली काफी अच्छी तेजी बनाते हैं, और यहाँ तो जो फेड बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है ये तो एक एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है जितने भी कॉर्पोरेट्स है US में
स्थित है। तो डेफिनेटली सेल आपको खरीदारी करके चलनी है, काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है इसमें। 30.5 का आपको इसमें टारगेट बनाना है और 28 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही चौथा स्टॉक मेरी सूची में, जैसे कि संदीप ने आपको 2-3 IT स्टॉक्स बताए हैं, मैं भी IT स्टॉक्स की सूची में जो है जुड़ना चाहूंगा। और यहाँ पर जो फोर्थ स्टॉक है मेरी सूची में वो है TCS का। यहाँ पर खरीदारी आपको करनी है, 2100 रुपए का लक्ष्य रखना है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मेरे पिछले एक हफ्ते की सूची में 2 या 3 बार मैंने आपको TCS ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर मूड माहौल डेफिनेटली पॉजिटिव है और इनके लिए तो खासा पॉजिटिव है, क्योंकि आईटी स्पेंडिंग अगर आप देखें संदीप तो वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी का जो पुश मिलेगा फेड से वहां पे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जाहिर सी बात है कि आईटी स्पेंडिंग जो है हो सकता है कि बढ़ सकती है। तो वो एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन आप लगा सकते हैं और उसी लिहाज से TCS खरीदारी करने की राय है। 2100 रुपए का लक्ष्य रखिए और 2000 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, जस्ट डायल ये अगला नाम है जिसमें आज आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल आप देखिए, मैं इसका चार्ट देख रहा था कुशल, 435 रुपये से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, ये मैं स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ, और 382.75 के आसपास ही क्लोजिंग कल की है। आप तो उस लिहाज से देखें तो 35 और 18-17 रुपये करीब 52 रुपये के आसपास का जो ऊपरी हायर लेवल से जो फॉल है स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो 12-13% के आसपास का ड्रॉप आप मान लीजिए हायर लेवल से। और दूसरी बात यह है, 8 जून से लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट डायल में मुझे लगता है कि आज एक परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है, जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है और रनअप के बाद अच्छा खासा हल्का हो चुका है यह स्टॉक। तो उस लिहाज से जस्ट डायल में आज के लिए मैं स्पॉट के लेवल्स आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले करना चाहें तो फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। 391 रुपये ये आज के लिए आपका टारगेट प्राइस है, 389 रुपये ये आपको अपने स्टॉपर्स के तौर पे मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, तो TCS के साथ साथ मेरी लिस्ट में माइंडट्री भी शामिल है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 76% से ज्यादा रेवेन्यू जो है ये US से डिराइव करते हैं। तो US स्पेसिफिक जो है ये कंपनी है और यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कल के सत्र में बहुत ज्यादा तेजी नहीं बनी थी, करीब 1% की तेजी के साथ ही ये बंद होता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से मूड माहौल है डेफिनेटली ये आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी आईटी स्टॉक्स को। तो माइंडट्री में आपको खरीदारी करके चलनी है 950 के लक्ष्य के लिए और 900 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, ये पहले 10 स्टॉक हैं, 5-5 स्टॉक्स हमने आपको बताए, कुशल ने सारे स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए, मैंने आपको 4 स्टॉक्स खरीदारी को, एक बिकवाली का ट्रेड बताया, जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स है आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। और मेरी लिस्ट में सारे स्टॉक्स जो हैं वो खरीदारी के हैं, कुशल तो पहले ही कह चुके हैं कि खरीदारी के ट्रेड्स ही उतारेंगे। अगला नाम मेरी लिस्ट में है NCC का, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें आज आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए ये भी एक हाई बीटा नेचर का स्टॉक है, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से देखें तो ज़्यादा चलने का दमखम रखता है, चाहे गिरावट या तेज़ी की ओर। तो आज जब मूड माहौल बेहतर है, कल ही स्टॉक आप देखिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ ही है, बड़ा मूव नीचे की ओर आता हुआ दिखा था, तो आज मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल चुका है। करेक्शन तो हाई लेवल से हो ही चुका है, लोअर लेवल से चला भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हाई लेवल से जो करेक्शन है वो ज़्यादा इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो जो हाई बीटा नेचर वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि तेज़ी का जो दमखम है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कल करीब 5% के आसपास ये लुढ़क गया था, आज 30 रुपये का लक्ष्य है, 28 रुपये 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कैनफिन होम्स ये अगला नाम है, कैश सेगमेंट का स्टॉक है और नतीजों के दम पे ये स्टॉक आज आपको खरीदारी करने के लिए सूची में शामिल किया गया है। आप शुद्ध ब्याज आय देखिए, इनकी करीब 35% के आसपास बढ़ी है, मुनाफे में 36% का ग्रोथ आया है और प्रोविजनिंग भले ही बढ़ी है लेकिन लोन बुक में 13% के आसपास ही ग्रोथ है। और इन दोनों ही आप ग्रॉस NPA की बात करें तो यहाँ पे 0.8% के मुकाबले 0.76% के आसपास के नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो उस लिहाज से नंबर्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं अब तक जो नंबर्स आए हैं उनके बनस्पत। तो उस लिहाज से कैनफिन होम में मुझे लगता है कि आज तो मार्केट का मूड माहौल भी बेहतर है, तो यहाँ पे जो हाई लेवल से करेक्शन हुआ है उसके बाद 318 320 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, 300 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर भारत फोर्ज अगला स्टॉक होगा जिसमें आपको खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो 3% के फॉल के साथ ये करीब बंद होता हुआ नजर आया था और जिस हिसाब से आप रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखेंगे तो US से करीब 40% रेवेन्यू भारत फोर्ज ड्राइव करता है। तो जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो भी इनके क्लाइंट्स हैं उनके पास एक एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो जैसे
आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी वैसे ही ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी स्पेंडिंग बढ़ सकती है। तो भारत फोर्ज काफी पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है आज के सत्र में, तो इसमें खरीदारी करिए, 352 का लक्ष्य रखिए और 333 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट भारत फोर्ज के साथ साथ आपको मधुसूदन सूमी पर भी फोकस करना चाहिए। हाल फिलहाल काफी ज्यादा स्टॉक्स में आपको पिटाई देखी थी और कल के सत्र में भी देखेंगे तो इनफैक्ट भारत फोर्ज के मुकाबले ये ज्यादा टूट कर बंद हुआ था, करीब 4% की फॉल इसमें रही थी। तो यहाँ पर जो भी क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली और खासकर यूएस मार्केट्स के लिए, डेफिनेटली मधुसूदन सूमी के लिए भी आज पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। तो 95 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 88 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला नाम है डीएलएफ का, यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए 157 रुपए के आसपास के हाईज बनाने के बाद रिसेंटली अब ये स्टॉक 146 रुपए के आसपास आ गए। कल भी आप देखिए 5.5% का ड्रॉप स्टॉक में देखने को मिल रहा था। आज अगर नीचे में किसी कारणवश आपको मिल जाए तो लोअर लेवल से मिले तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप मोमेंटम वैसे भी राइड कर सकते हैं। आज हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का मूव भी स्टॉक में आता हो। देखिए 150 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 144 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके साथ साथ जैसे कुशल आपको बता रहे एक जो कोरिलेशन उन्होंने निकाला है मेटल स्टॉक्स का, उस लिहाज से मैंने नालको एक स्टॉक है जिसे आप नेशनल एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं, जिसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। कल ये स्टॉक भी आप देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। कल 30 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग नालको के फ्यूचर्स में देखने को मिली थी और कल 4.5% से ज़्यादा स्टॉक कल लुढ़क के बंद हुआ है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि डे लो के आसपास ही क्लोजिंग है। कल आप चाहें तो कैश के मुकाबले फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पे आज हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का मूव काफ़ी हावी होता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए कैश में अगर आप देखें तो मेरे टारगेट जो है वो 31-31.5 तक के होंगे, 29.80 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए तो ऑटो एंसिलरी और आईटी के बाद मेरी सूची में जो है अगले जो दो नाम है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। इनफैक्ट कल आप मार्केट देखेंगे इंडियन तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉल देखने को मिलेगी बैंकिंग स्पेस में, खासकर प्राइवेट बैंकिंग में देखेंगे तो HDFC और ICICI बैंक दोनों स्टॉक्स में 3-3.5% का फॉल हमें देखने को मिला था। तो आज मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बाजार की तेजी बनेगी उसमें ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते ही हैं सबकी जो निफ्टी या बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उसमें इनके काफी ज्यादा वेटेज रहते हैं। तो HDFC बैंक यहां पर खरीदारी कीजिए, 980 के टारगेट के लिए 932 का स्टॉप लॉस लगाइए और ICICI बैंक यहां पर भी 341 का आपको टारगेट लगाना होगा, पर 324 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, आखिरी नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है CCL प्रोडक्ट्स का। इसके भी नतीजे के आधार पे इस स्टॉक को चुना गया है। आप इनकी आय देखिए भले ही फ्लैट रही है लेकिन ऑपरेटिंग आधार पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 31% इनका कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 54 करोड़ से 71 करोड़ और मार्जिन देखिए सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही चीज़ आई, 20.5% वाला मार्जिन देखिए 27% के आसपास आ गया, 6.5% का उछाल मार्जिन्स में इस तरह के माहौल में काफ़ी काबिल तारीफ है और मुनाफे में भी 18% के आसपास का जंप देखने को मिला है। तो मुनाफा हालांकि उतना नहीं बढ़ा जितना कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग आधार पे जो नंबर्स हैं वो बेहद शानदार है। तो उस लिहाज से अगर कोई बहुत शार्प रिएक्शन भी ऊपर की ओर आता हो देखिए मार्केट का तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मैंने 240 रुपये का टारगेट दिया है, अगर आपको स्टॉक उसके ऊपर जाता हुआ देखिए आपकी पोजिशन हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले फर्दर गेंस के लिए स्टॉक को अप्रोच कर सकते हैं। 240 रुपये ये आपका टारगेट है, 225 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल आखिरी स्टॉक मेरी सूची में है औरोबिंदो फार्मा का। यहाँ पर इनके लिए एक डेवलपमेंट हो रही है जिसमें एक दवा USFDA से एक दवा की मंजूरी मिली है जो डिप्रेशन की दवा है, फ्लुएक्सटिन हाइड्रोक्लोराइड नामक ये दवा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनके लिए ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। तो औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करते चलिए 791 के टारगेट के लिए और 755 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने पूरी हो चुकी है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने आपको 9 स्टॉक्स खरीदारी के, एक स्टॉक बिकवाली का बताया है। पहला नाम मेरी लिस्ट में टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स का, इसमें आज आपको बिकवाली करके चलनी है। जितना घाटा एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा घाटा आया और कमेंट्री भी वीक है, ऊपर में शॉर्ट करें इसीलिए स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा ऊपर का दिया है 104 रुपये के आसपास का। नीचे में 98 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक जिनका यूएस में एक्सपोजर है क्योंकि यूएस में अच्छी खबरें आ रही है, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदारी करने की जो बातचीत हुई है फेड की ओर से उसका इंपैक्ट आज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। वैसे भी रुपया कमजोर था तो विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा इनमें खरीदारी करें। जस्ट डायल 8 जून से लगातार गिर रहा है तो आज एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अच्छे संकेतों के दम पे, 391 रुपये का लक्ष्य होगा। इसके साथ साथ NCC यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, कल की गिरावट के बाद आज उभरता हुआ दिख सकता है, 30 रुपये का लक्ष्य होगा।
कैनफिन होम्स और सीसीएल प्रोडक्ट्स जो ऐसी कंपनी जिनके नंबर्स अच्छे हैं और अच्छे नंबर्स के दम पे आज खरीदारी बन सकती है। डीएलएफ भी आप देखिए 157 से 146 रुपए के आसपास आ चुका है, शॉर्ट कवरिंग नहीं तो 150 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। और नालको कल ये डेलो के आसपास बंद हुआ था और आज संकेत अच्छे हैं तो मेटल स्टॉक्स चले तो 31 रुपए तक के टारगेट नालको में आ जाएंगे। 2980 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, तो यूएस में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम की खबर आई है उससे डेफिनेटली मूड माहौल काफी पॉजिटिव लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मेटल्स, आईटी और ऑटो एंसिलरी स्पेस जिनका एक्सपोजर काफी सिग्निफिकेंट है यूएस में, उनमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील और सेल, इन तीनों में आपको खरीदारी करने की राय है। साथ ही आईटी स्पेस में आपको टीसीएस और माइंडट्री, इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा अगर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस की तरफ नजर डालें जिनका काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है यूएस से आता है, उसमें भारत फोर्ज और मदरसन सुमी शामिल है, यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इसके साथ साथ बाजार में जो तेजी का मोमेंटम आज बन सकता है उसमें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो कल काफी टूटे थे वहां पर तेजी बन सकती है, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में आपको खरीदारी करने के चलनी है। और औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, यूएसएफडीए से एक तरफ को मंजूरी मिली है, तो 791 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलें। चले, 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, 19 स्टॉक्स खरीदारी के और एक स्टॉक बिकवाली का। और ये सर दरअसल इसलिए क्योंकि आज मूड माहौल काफी बेहतर है ग्लोबल मार्केट की जहां तक बात है। एक बार एसजेक निफ्टी देखिए, 10,000 का लेवल आने की तैयारी में है, करीब 200 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह के मूड माहौल है, जिस तरह का संकेत है ग्लोबल मार्केट से, आज का दिन आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। पूरा एक्शन लेके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।